आठ सूत्री मांग को लेकर दुर्ग निगम के सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव कर अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बातें कही। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले शहर के सफाई कामगार, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर व सहित अन्य लगभग 600 कामगार सफाई कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बड़ी संख्या में ये सभी कर्मचारी अपनी आठ सूत्री मांग को लेकर दादा दादी पार्क में एकत्रित होकर सभी कर्मचारियों ने दुर्ग नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांग को लेकर निगम अधिकारियों से चर्चा भी की। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने भी कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए निगम आयुक्त से चर्चा की और कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए शासन स्तर से मांगों को नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया से हल करने का प्रयास करने की बातें कही। गौरतलब है कि कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से दुर्ग शहर के 60 वार्डों में सफाई व अन्य व्यवस्था सुबह से ही ठप हो गई थी। लोगों के घरों व नुक्कड़ों से कचरा नहीं उठा, इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मांगे तो बहुत सारी है और इसके पहले भी यहाँ जो वर्तमान में महापौर महोदय है, इन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन भी किया है कि हम एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे और सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि यूनियन के और जो निगम के अधिकारी हैं उसका प्रतिनिधित्व करेंगे और समय समय पे चर्चा करके उसका हल करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल इंटेंशन में इन्होंने कभी कमेटी नहीं बनाई और लगातार जो है राजनीतिक मतलब प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन करने की जगह राजनीति की गई, जिसके कारण आज ये प्रदर्शन हो रहा है। नहीं देखिए, ये सांकेतिक प्रदर्शन है सर, कि किसी ने तरह से एक अपना पक्ष तो रखता है मजदूर, और जब इस तरह से मैनेजमेंट यानी प्रशासन अगर निरंकुश हो जाए, गूंगी बैरी हो जाए, तो अपनी बात रखने के लिए एक तरीका है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, और अगर अब नहीं समझ में आया तो ये प्रदर्शन अनिश्चितकाल भी हो सकता है। बशर्ते ये समझना है संवैधानिक पद पर जो महापौर बैठे हुए हैं महोदय और जो यहाँ के आयुक्त बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो राजनीति न करें, चुनाव न लड़े, 4.5 साल से जो वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो न करके प्रशासनिक काम करें, चुनाव जब होगा तो लड़ लेंगे। मांग है, आठ सूत्री मांग है, पूर्व में वर्षों से हमने पत्राचार किया है संघ के माध्यम से, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए आज हमने ये घेराव का जो है रणनीति तैयार किया गया संघ के माध्यम से और कर्मचारियों की सहमति से। हमारा जो मांग ये है कि नगर निगम में जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, जो भिन्न भिन्न विभाग में है, रेलवे, आपके नलघर, इनको सीधे नगर निगम से नियोजित करके उनको भुगतान डायरेक्ट खाते में किया जाए, और जो शासन द्वारा बोला गया था नियमितीकरण की मांग कि सभी कर्मचारियों को नियमित करने की, उसमें विधानसभा में ये बात को रखी जाए दुर्ग के कर्मचारियों के लिए, ताकि नियमितीकरण की बात आगे बढ़े। आज चर्चा में लिखित द्वारा आश्वासन देने की बात कही गई है, लेकिन वो लिखित आने के बाद हम कर्मचारी के सामने वो बात को रखेंगे, अगर वो संतोषपूर्वक रहा तो हड़ताल स्थगित करेंगे, वरना निरंतर जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।